हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल द कॉमर्स विजर्ड। सो दोस्तों, आज हमारी क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज की पहली वीडियो होने वाली है। आपको वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन देखना, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन डाला हुआ मैंने। वो क्वेश्चन डाला इससे बच्चों की बहुत मिस्टेक्स होती हैं। बच्चों को लगता है क्वेश्चन बड़ा ईजी है, लेकिन बहुत मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, जो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया हुआ था, तो आप क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद यहाँ पे आना। तभी आपकी लर्निंग अच्छी से होगी, क्योंकि उससे पता चलेगा आपको क्या आपकी गलती है। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो वीडियो को देखना, आंसर मैच करने की कोशिश करना, मेरा मेथड देखना कैसे मैंने यूज़ किया है। और अगर नहीं हुआ, कहीं अटक गए हो, तो वीडियो को फॉलो करो, अपनी गलतियाँ देखो और उसको आगे इम्प्रूव करो। देखो, ए और बी जो है पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन में गिवन है ए और बी जो है पार्टनर्स हैं विद रेशियो 2:1 की रेशियो में। और 31/3/2019, मतलब 31 मार्च 2019 साल के एंड में उनकी कैपिटल कितनी थी, 60,001 लाख। प्रॉफिट ₹30,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम, मतलब जो प्रॉफिट था 30,000 का उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। आगे ए हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड एडिशनल कैपिटल, ए ने एडिशनल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट की और कैपिटल लेके आया कब, 10,000 लेके आया, 24,000 लेके आया, कब लेके आया, 1/7/2018 को और 1/1/2019 को, मतलब 1 जनवरी 2019 को भी। जबकि बी ने, वाइल बी हैज मेड एन एडिशन ऑफ 16,000, बी ने कितनी कैपिटल वो लेके आया, 16,000 टू हिज कैपिटल ऑन 31/8/2018, मतलब 31/8/2018 को बी कितनी कैपिटल लेके आया, 16,000 की। नेक्स्ट, ए एंड बी हैड विड्रॉन ₹16,000 and ₹30,000 फ्रॉम देयर कैपिटल ऑन 31/10/2018, मतलब ए और बी ने ड्राइंग्स भी की हैं कैपिटल से, कितनी, 16,000 की और 30,000 की। अब क्या कह रहा है वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओमिटेड एट 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो थी 9% पर एनम पे हम देना भूल गए। अब निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को देखो। सबसे बड़ी गलती अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, आपने की होगी, काफ़ी बच्चों ने की होगी, इस पर इंटरेस्ट निकाल दिया होगा। ये कि 31 मार्च 2019 को कौन सी कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल है, ना कि ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट किस पर लगता है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे। पहली गलती तो यही होगी, तो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो निकाल लो ए, और यहाँ पे लिखता हूँ बी, कितना है, 60,000 और इसकी कैपिटल है 1,00,000, जो कि है क्लोजिंग। अब हम इसमें जो भी चेंजेस है वो करेंगे और ओपनिंग कैपिटल पे आएंगे। लाइन वाइज लाइन चलो, प्रॉफिट ₹30,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, 30,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था। अगर हमने क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना हो तो प्रॉफिट को क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, राइट। और अगर लॉस होता तो क्या करते, प्लस करते। तो माइनस कर दो, प्रॉफिट कितना, 30,000 था, तो वापस ले लो उनसे 20,000 और 10,000 की रेशियो में, 2:1 की रेशियो में लोगे तो कितना आएगा, ए को 20,000 और बी को 10,000, दोनों से माइनस कर दो। इससे 20,000 हमने कर दिया लेस और यहाँ से 10,000 कर दिया हमने लेस, जो हमने प्रॉफिट्स लेस किए। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, ए ने क्या किया, एडिशनल कैपिटल लेके आया 10,000 और 24,000 एडिशनल कैपिटल, कैपिटल ओवर लेके आया। लेकिन जब हम ओपनिंग में जा रहे होते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल में से वो क्या होती है चीज़, माइनस। तो 10,000 और 24,000 कितनी होगी, 34,000, ए की 34,000 आपने कर दी यहाँ से लेस। और अगले की बी ने कितनी एडिशन लाई थी, 16,000 की, तो 16,000 की यहाँ से माइनस कर दो, एडिशनल कैपिटल। नेक्स्ट वन, ए और बी ने ड्राइंग्स किए 16,000 की और 30,000 की, ड्राइंग्स क्या करते हैं क्लोजिंग कैपिटल में, प्लस, ताकि ओपनिंग कैपिटल हम निकाल सकें, तो प्लस कर दो। ए ने 16,000 प्लस कर दो ए में, और बी में कितना प्लस करोगे, 30,000। आई होप ये बेसिक चीज़ें आपको पता है कैसे करते हैं, नहीं पता तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो इसके बारे में भी बना दूंगा कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो। ओके, अब इनको निकालो, 60 माइनस 20 40 में से 34 के 6 6 प्लस 16 22,000। तो ओपनिंग कैपिटल ए की कितनी आ गई, 22,000, और बी की कितनी आ गई, 1,00,000 में से 10,000 की 90,000 माइनस 16 74 74 प्लस 30 104,000। तो ए और बी की हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल गई। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी की। अब बच्चे सबसे पहले गलती क्या करते हैं, जो ओपनिंग कैपिटल आए इसे पूरा इंटरेस्ट निकाल दिया, पूरे साल का सर क्वेश्चन हो गया। अब यार मुझे एक चीज़ बताओ, क्या साल में, क्वेश्चन में गिवन नहीं है क्या साल में कोई एडिशनल कैपिटल हुई है, सर हाँ हुई है। क्या ड्राइंग्स हुई है, सर हुई है। क्या उससे कोई कैपिटल में फ़र्क आता है, सर आता तो है, पर हमने गलत कर दिया,
क्यों गलत किया, क्योंकि आपने वो चीज़ ध्यान ही नहीं दी। पेपर में भी आप वही करते हो, चीज़ को ध्यान से पढ़ते नहीं हो, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते नहीं हो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देखो कैसे निकालते हैं, हम वो देखते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता लाइन्स को रीड करना और आगे आगे बढ़ना है। सबसे पहले 22,000 की कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल, इस पर लगाओगे 9% का, कितने मंथ्स के लिए अभी समझ आ रहा होगा। हाँ सर वो चीज़ तो समझ आ रही है कि एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग जो है उसको भी हमने इंक्लूड तो करना भूल गए। तो वो चीज़ देखो, ए ने एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया 10,000 की 24,000 की, कब? चलो मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, 1/7/2018 को, 1/1/2019 को, और ए और बी की ड्राइंग्स भी हुई हैं, कब हुई? 31/10/2018 को मैंने अंडरलाइन कर लिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखते हैं, मुझे एक चीज़ बताओ, 22,000 की जो कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल कब तक उनके पास रही, कब तक रही? देखो जब कोई चेंज नहीं हुआ हो, मतलब जब तक कोई चेंज ना हुआ हो, 1/7/2018 को पहला चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? कि और कैपिटल ए लेके आया, तो उससे पहले पहले तो 22,000 की कैपिटल हमारे पास रही होगी ना, तो कितने मंथ्स के लिए रही होगी? अप्रैल का मंथ, मतलब 4, 5 and 6, अप्रैल का मंथ, मई का मंथ और जून का मंथ, क्योंकि जुलाई में तो और कैपिटल आ गई, तो 3 months के लिए तो हमारे पास 22,000 रुपया पड़ा होगा, 22,000 की कैपिटल पड़ी होगी, तो 3 months के लिए आप वो निकाल लो। उसके बाद अब 1/7/2018 को ए महाराज जो हैं, हमारे महाराज जी जो हैं पार्टनर हैं ए, वो और कैपिटल ले आए, कितनी कैपिटल ले गए? 10,000 की। तो जब 22,000 में 10,000 और ऐड हो गया तो कितना हो गया? 32,000। आप 32,000 पे निकाल लो 9% की। अब बोलोगे सर अब कितने मंथ्स के निकाले? देखो एक एडिशनल कैपिटल और हो रही थी ए की 24,000 की 1 January 2019 की, और एक ए ड्राइंग्स करे 31/10/2018 को, मतलब 31 अक्टूबर को। तो बाई 32,000 की जो हमारे पास कैपिटल अब बनी है वो कब तक चलेगी? 31 अक्टूबर तक चलेगी, राइट? तो कितने मंथ्स की होगी? देखो 1/7 को वो लेके आया, 7 का पूरा महीना, 8 का पूरा महीना, 9 का पूरा महीना, 10 तक का पूरा महीना, 4 महीने तक चलेगी। तो अपने करना है 4/12। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब जब 31/10/2018 तक हमने निकाल ली, अब हो गई हमारी ड्राइंग्स, कितनी ड्राइंग्स होगी? 16,000 की। 16,000 का पैसा ए ने निकाल लिया, तो कितना पैसा बच गया? 32,000 हमारी कैपिटल थी, 16,000 कैपिटल निकल गई, कितनी बची? 16,000 बच गई। तो लिखोगे प्लस 16,000 इंटू 9% इंटू कितने मंथ्स के लिए? अब इसके बाद क्या हो रहा है, एक एडिशन हो रही है 1 January 2019 को, 1 January 2019 को, तो कितने मंथ्स के लिए हमारे पास 16,000 रुपया रहा होगा? मतलब नवंबर का मंथ पूरा होगा, 11th और 12th दिसंबर का महीना, 2 महीने बचे होंगे, क्योंकि 10 तक तो हमारा यहाँ सब कंप्लीट हो गया है, तो 11 का पूरा महीना, नवंबर का पूरा महीना, दिसंबर का पूरा महीना, तो 2 months बचे। क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद तो फिर एडिशन हो रही है। अब उसके बाद क्या हुआ, लास्ट ए ने फिर कॉन्ट्रीब्यूशन की और कैपिटल लेके आए, कितनी? 24,000 की। 24,000 की और कैपिटल लेके आए 1 January 2019 को, तो 24,000 और लेके आया, तो 16,000 में 24,000 और ऐड हो गए, कितने हो गए? 40,000। 40,000 पे 9% और कितने मंथ्स के लिए? एक फर्स्ट मंथ, 1, 2 और 3, मतलब जैन फेब और मार्च, 3 months। तो निकाल लो, अब इन सबको आप ऐड करोगे तब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा ए के लिए। अब चलो निकाल लेते हैं कितने हुए, 0,0 काट कट कर दिया, 3, 4, 4, 5, 20, 4, 5, 20, तो हो गया ये 9, 5, 45, 45, 49। नेक्स्ट वन, इसमें 0,0 कट, 4, 3, 3, 3, तो 3, 0, 0, 6, 3, 9 प्लस आगे, अब कितना हो रहा है, पेन चेंज कर लेता हूँ, यार इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट वन रेड पेन से करते हैं, नेक्स्ट वन 0,0 कट, 2, 1, 2, 6, 3, 2, 3, 9, 2, 8, तो हो गया ये 2, 40। अब लास्ट कितना हुआ, 0,0 कट कर दो, कर दिए सर, 4 को किया यहाँ से, कितना हो गया? 100 प्लस 900। अब देखो आंसर आपका क्या आ रहा है, 5, 4, 6, 10, 19, 5, 9, 14, 2, 16 और 9, 25, तो 2595 या ए के लिए। आई होप आपको समझ आ गया इसको कैसे करना है। सिमिलरली दोस्तों आपको बी का भी निकालना पड़ेगा, बी का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको अगर क्वेश्चन समझ आ गया सही से, आपको समझ आ गया कैसे करना है, कमेंट सेक्शन मुझे बताना आंसर आपका क्या आया है, बी का मुझे आंसर बताओगे क्या आया, बिल्कुल सेम मेथड होगा, बिल्कुल सेम मेथड फॉलो करना है।
सो आज की वीडियो इतने रखते हैं। आई होप आपको आज का क्वेश्चन जो मैंने करवाया बहुत अच्छा लगा हो। आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इतनी हम क्वेश्चंस डालते रहेंगे टाइम टू टाइम, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज चलती रहेगी। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं सच बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा आपका अकाउंट से डर निकल जाएगा सारा, सच बोल रहा हूँ। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक दबा के शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अगर पहली बार आए हो। बहुत कंटेंट आने वाला, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो फोड़ देंगे एग्जाम से, फोड़ के रख देंगे। चैनल के साथ बने रहना। थैंक यू सो मच, दिस इज शिवम जोहर साइनिंग आउट फ्रॉम द कॉमर्स विजर्ड।